हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा है कि फ़ोम रोलर एक्सरसाइजेज़ कौन कौन सी हैं, आप किस तरीके से करते हो। कुछ वीडियोस में मैं बताता हूं कि मैं कौन सा फ़ोम रोलर यूज़ करता हूं। मैं अपने जिम में जो फ़ोम रोलर है वो यूज़ करता हूं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो वाला जो फ़ोम रोलर है उसे यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो मेरे जिम में फ़ोम रोलर है, एक्चुअली एनी टाइम फिटनेस में बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन होती हैं, और जो फ़ोम रोलर भी उन्होंने दे रखा है वो भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, उस पर रबर पैडिंग है। तो अगर आप उसे यूज़ करते हो अपनी बैक पे या अपनी बॉडी पे, तो इंपिजमेंट नर्व का खतरा नहीं बनता। जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं जिनकी इंजरीज हैं, जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, जो रिकवरी प्रोसेस में हैं, तो उनके लिए मैं वो वाला फोम रोलर सजेस्ट नहीं करूँगा जिसके अंदर ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो जो नर्व इंपिजमेंट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। बहुत तरीके से एक्सरसाइज करनी है, तो ये वाला फोम रोलर मैंने डिसाइड किया था अपने लिए भी लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें कोई ग्रूव्स नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसे भी यूज़ करना है, बहुत तरीके से यूज़ करना है। स्ट्रॉस कंपनी का ये फोम रोलर है, जो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसको ले सकते हो। ये वाला फोम रोलर मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि ये लाइट वेट है, तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस ये थर्माकोल बेस्ड मटेरियल है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जब आप इसको लेके जाते हो, हाथ वाथ थकते नहीं है, और इंजरी होने का भी जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। जब आपका वर्कआउट हो जाए उसके बाद ही आप फोम रोलिंग करिए, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी अच्छे से वार्म हो जाती है। तब आप जब रिकवरी प्रोसेस अपना शुरू करते हो तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करता है। तो अभी हम लेग्स से शुरू करेंगे, आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। तो गाइस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ काफ्स। काफ्स को आपको अपने फोम रोलर पर रखना है आराम से, उसके बाद आपको आगे पीछे मूवमेंट करनी है प्रॉपर तरीके से। आपको प्रेशर बना के मूवमेंट करनी है और एक ही डायरेक्शन में आपको करनी है। फोम रोलर के जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इम्प्रूव्स रेंज ऑफ मोशन एंड मोबिलिटी। इट ऑल्सो इन्हेंसेज मस्कुलर परफॉर्मेंस। जो आपकी मस्कुलर परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आप प्रॉपर रिकवरी करते हो तो जो आपकी मसल ग्रो होने की जो स्पीड है वो भी इन्हेंस हो जाती है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 minutes टू ट्रेन ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी थाई को ट्रेन कर रहा हूँ, थाई, ग्लूट्स, आपके हिप, पूरा प्रेशर बना के आपको अच्छे से करना है। जहाँ जहाँ आपको सोरनेस लगती है वहाँ वहाँ ज़्यादा देर तक आपको करना है। और जैसे कुछ जगह पे हमें कभी कभी प्रेशर लगता है तो वहाँ पर आप रोक भी सकते हो, रोल करते करते उसी पॉइंट पे आप रोक के थोड़ा वेट कर सकते हो, और वो भी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जब आप फोम रोलिंग करो तो आप ट्राई करो कि जो आपकी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, फॉरवर्ड बैंड होके ज़्यादा आपको नहीं करनी, नहीं तो फिर दोबारा से आपके बैक में प्रेशर आ सकता है। जब थर्ड सेट में आप पहुंच जाओगे तो आपको दोनों लेग्स को एक साथ ट्रेन करना है, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूं। देखिए, इट आल्सो रिलीव्स मस्कुलर सोरनेस। जैसे आपको जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो सूजन, फटीग और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती ही होती हैं, तो जो रिकवरी प्रोसेस होता है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, और आपकी जो मसल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है जब आप फोम रोलिंग करते हो। स्लिप डिस्क और एएस के चक्कर में मेरी जो साइकेटिक नर्व है, और मैं एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो कभी कभी वो प्रेस हो जाती है, इंपिजमेंट हो जाती है, मेरे पेन होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ग्लूट्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करता हूँ। फोम रोलिंग उन पे मैं ज़्यादा करता हूँ, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ उसी तरीके से करता हूँ, और ये मेरे लिए काम भी करता है बहुत अच्छे से। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट वाइल डूइंग दीज एक्सरसाइजेज। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी अपनी टीनेज में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करता था और उन्हीं के चक्कर में बहुत सारी इंजरीज मुझे हुई हैं। While training your back, always put the foam roller in the center of your back। हमेशा बीच में आप रखने की कोशिश करो, बिल्कुल बीच में सेंटर पे रहेगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, तो आपके बैक में कोई भी इंजरी नहीं होगी। और जब आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपको स्लिप डिस्क और हल्का फुल्का भी आपको लगता है कि मुझे पेन आ रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी जर्क नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ बहुत ही स्लो स्लो आपको करना है, और आपको लग रहा है कि मेरा पेन बढ़ रहा है तो फिर आपको उस डायरेक्शन में एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है। उस केस में आप कोबरा पोज करो, कम से कम मेरे हिसाब से 200 से 300 बार आप कोबरा पोज डेली करोगे तो आपकी स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कार्ड में भी डाल दूंगा। जब आपकी स्पाइन के जोड़ अलाइन हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ वर्क करता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, रिकवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कप थेरेपी है, बहुत महंगी महंगी मसाजेज हैं, वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
लेकिन ये एक फोम रोलर हम अफोर्ड ज़रूर कर सकते हैं और इससे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मसाज गन भी मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताई थी, अगर आपको एक अच्छी मसाज गन लेनी है तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मसाज गन काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं है कि आपको यही फोम रोलर लेना है, आप और भी कोई भी ले सकते हो जो आपकी चॉइस का हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उससे आपको इंजरी ना हो और वो परफेक्टली आपके लिए काम करे। अभी मैं खुद फोम रोलिंग के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मैं फोम रोलर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि वो जो ग्रूव्स होते हैं कौन से वाले बेटर हैं कौन से वाले बेकार हैं। तो मुझे कोई और फोम रोलर दिखेगा बढ़िया तो मैं वो भी अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगा। इस तरीके से आप अपने बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो, कोई भी बॉडी पार्ट को आप तरीके से ट्रेन कर सकते हो। इट ऑल्सो रीस्टोर्स मसल्स एंड प्रिवेंट्स इंजरी, इट ऑल्सो इम्प्रूव पॉस्चरल कंट्रोल एंड करेक्ट्स मसल इम्बैलेंसेस। देखिए जो हमारी मसल्स हैं उनको भी बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में क्या होता था, और जो बेलन होता है, बेलन आपने देखा होगा किचन में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उससे वेंस को ठीक किया करते थे पुराने ज़माने में लोग। तो ये है पुरानी ये चीज़ बट एक नई फॉर्म में। बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ डीप टिश्यू मसाज फॉर योर मसल्स एंड इट्स ग्रेट फॉर वर्किंग इनटू टाइट मसल्स दैट मे बी कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद जॉइंट्स एंड मोबिलिटी। फैशिया एक टिश्यू होता है जो आपकी मसल से कनेक्ट करता है आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। हाउएवर जब आप एक्सरसाइज नहीं करते ठीक से, स्ट्रेचिंग नहीं करते हो ठीक से, और आपका जो पैटर्न होता है वो गलत होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर फैशिया कैन टाइटन एंड बिकम स्टिफ, विच बिकम स्टिफ एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट एंड दैट कैन इवन कॉज पेन इन योर मसल्स। कहने को तो बहुत सारे मेजर मूव्स हैं जो आप फोम रोलर के द्वारा कर सकते हो, लेकिन ये कुछ हैं जो मुझे पता हैं और बाकी अंडर ऑब्जर्वेशन करे जाते हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, लेकिन अगर आप किसी की अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर उनके साथ आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप फोम रोलर को यूज़ करें बहुत तरीके से करें, क्योंकि कुछ लोग थे मेरे सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने फोम रोलर यूज़ किया और उनके पेन आ रहा था, तो मेरे हिसाब से या तो उन्होंने गलत एक्सरसाइज करी होगी या उन्होंने फोम रोलर जो यूज़ किया है वो गलत किया है। तो गाइज़ ये थी हमारी एक लेटेस्ट फिटनेस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक स्टे फिट स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम।